एक ना मेरे हमसाए में है बड़ी अपने आप को मीम समझ के तो गाड़ी शाड़ी चलाती है सारा दिन, पता नहीं किधर जा रही होती है फिर आ रही होती है। तो उस दिन सामने वाली आंटी जो है उन्होंने उसको इतने प्यार से उसको समझाने के वाले टोन में कहा कि बेटा ये ऐसे जो ना क्या नाम है हशरियों वाला ड्रेस अप ना करके जाया करो। तो वो आगे से इतनी मुंह फट औरत है आगे से कहती है कि आंटी जी मैं तो इसी तरह ही हराफा औरतों की तरह ही क्या नाम है ड्रेसअप करूंगी। आप तो बच्चे पैदा करके फारिग हो गए बैठ गई अपने दिमाग को जंग लगा के, तो जो है आप आपको और कोई काम नहीं है सारे मोहल्ले में फरत हाशमी बनी नहीं है वो भी मुफ्त में। तो अस्तगफिरुल्लाह मेरे मुंह से तो अस्तगफिरुल्लाह निकल गई। मेरा जो हसबैंड है ना इस तरह की औरतों को गश्ती बुलाते हैं, वो कहते होते थे कि हमारी जो दादी अम्मी थी ना वो कहती होती थी गश्ती उस औरत को कहते हैं जो कि बड़ी ऐसे ना गश्त मारती है सारा टाइम, हर वक्त चलती फिरती रहती है, हर वक्त पता नहीं इधर से आ रही। और ये भी बिल्कुल वैसे ही है ये औरत। मैडम जी जॉब करती हैं बड़ी, आती जाती रहती हैं हर वक्त जींस पहन के, पता नहीं इस तरह की आजाद गश्तियों को उनके हसबैंड पता नहीं कैसे रख लेते हैं। मेरे तो अगर मैं जॉब करूं या इस तरह आती जाती रहूं सारा दिन घर से, ना मेरे आने का टाइम हो ना जाने का टाइम हो, तो मेरे तो हसबैंड मुझे उसे ठुड्डा मार घर से बाहर निकाल दें। अब वो पिछले दिनों जब इन्होंने मरियम नवाज को रंडी मंडी बोला था मुझे इतना मजा आया सुनकर, मुझे हंसी आती रही सारा दिन। और ना फिर मुझे यही महसूस हुआ कि इस कौम में वाकई ये औरतों की बड़ी इज्जत होती है, लेकिन सिर्फ उन औरतों की होती है जो कि अपने घर में इज्जत से जो है ना गुजारा करती है। ये एनजीओ चलाने वाली औरतें और ये जॉबें करने वाली और ये जो है ना इस तरह की गश्तियों की कोई इज्जत नहीं करता और करनी भी नहीं चाहिए।